एवरीवन, वेलकम टू श्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। बहुत टाइम बाद मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही हूं। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए ऐसे वीडियो शूट किए हुए मुझे। और इस टाइम में ना आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की हैं। मैंने कोशिश किया है कि आप लोग की प्रॉब्लम्स पे रिप्लाई कर पाऊँ, आप लोग को समझा पाऊँ। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हर एक की कमेंट का रिप्लाई करना। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग की कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसी पे डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरी कुछ फ्रेंड्स की प्रॉब्लम है कि हमारा बेबी बहुत छोटा है, जल्दी सोता नहीं है, या फिर लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं सोता है, बहुत जल्दी उठ जाता है। तो हम कैसे पढ़ाई करें? हम चाहते तो हैं स्टडी करना, बट कर नहीं पाते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी इस प्रॉब्लम से ना मैं भी सफ़र कर रही हूँ। आप लोग को पता ही है कि 2 महीने पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है। और एक बहुत ही मैजिकल सोल्यूशन है इन सब चीज़ों का। जब बेबी बहुत छोटा होता है ना, तो वो अपनी मदर के पास ही रहना चाहता है, खुद को सेफ फील करता है और आराम से सोता है। बट अगर हम अपने बच्चे के पास ही रहेंगे तो अपने लिए टाइम कैसे निकालेंगे? तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप जब भी आपका बच्चा सो जाए तो आप अपना कोई भी एक कपड़ा, जैसे कि अगर हम दुपट्टा यूज़ करते हैं तो अपना दुपट्टा उसके ऊपर डाल दें। उससे क्या है ना, बच्चों को ये फील होता है कि हमारी माँ हमारे पास है। हमारी बॉडी की जो स्मेल होती है, जो एक एहसास होता है ना, वो बच्चे के पास रहता है कि हाँ हमारी माँ है हमारे पास, और वो आराम से सोता है। ये आप ट्राई करके देखिए, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही काम करता है। मुझे भी कहीं से पता ही चला था और जब मैंने भी ट्राई किया तो सच में ये काम करता है। जब भी हमारा बच्चा सो जाए तो आप उसके पास अपना दुपट्टा डाल दीजिए, अपना कोई भी कपड़ा डाल दीजिए, जिससे आपके बच्चे को ये फील हो कि हाँ हमारी माँ हमारे पास है और वो लंबा पीरियड के लिए सोएगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम, जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और ऑलमोस्ट 60% वीमेंस की यही प्रॉब्लम है कि हमें टाइम नहीं मिलता। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, और ऑब्वियस है कि जब फैमिली बड़ी होगी तो काम भी ज़्यादा होंगे। इस प्रॉब्लम से हर कोई सफ़र कर रहा है। तो या तो आप रोते बैठिए कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, या अपना दिमाग लगाइए और इन्हीं सब में कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना काम निकलवाइए। क्या है ना कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो टोटली आप पे डिपेंड हो चुके हैं। आपने शुरू से वैसे ही ट्रीट किया है अपने घर वालों को, हर चीज़ टाइम पे दिया है, चाय पानी नाश्ता हर चीज़ आपने टाइम पे उनको दिया है, तो वो आप पे टोटली डिपेंड है। अगर अब आपने सोचा है कि आपको स्टडी करना है, आपको कुछ करना है अपने लिए, बट आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा अपना स्मार्ट अपने इन लॉ अपनी मदर इन लॉ से, अपने सिस्टर इन लॉ से, जो भी आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा रखिए, ताकि वो आपके काम में हेल्प करें। अगर कोई दो बात आपको बोल करके आपका काम कर दे रहा है तो वो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप थोड़ा सा मतलब रोते बैठेंगे कि उन्होंने हमको ऐसा बोल दिया। ठीक है यार, अगर वो दो बातें बोल दे रहे हैं बट आपका काम तो कर दे रहे हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए और अपना काम निकलवाइए, क्योंकि आपको टाइम चाहिए, अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखिए कि कैसे कहाँ पे क्या चीज़ करके आप अपना काम निकलवा सकती हैं, ताकि आपके लिए टाइम मिल जाए, आप अपना टाइम बचा पाएं। और जो टाइम बच रहा है ना, अब उसको अपना फ़ोन लेकर के उसमें मत लगिए कि आपका टाइम जो आपने कुछ दो बातें सुन करके अपने लिए टाइम निकाला तो वो टाइम आपने फ़ोन पे वेस्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करिए मेरी फ्रेंड्स। अगर आपको पढ़ना है, आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं और आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये चीज़ करना ही करना है, तो अपने लिए टाइम अगर आप निकाल रही हैं घर की लोगों का बात सुन के, घर के लोगों के ताने सुन करके, तो इतना सारा सहने के बाद भी अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करिए। ये हो गया आपका सेकंड सोल्यूशन कि आपको अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो इनडायरेक्टली बोलिए कि हमें थोड़ा हेल्प कर दीजिए इस चीज़ में, या फिर हमसे हो नहीं रहा है हमें बता दीजिए, हमें समझा दीजिए। ऐसे करके ना आपका काम तो हो ही जाएगा। तो आप ऐसे अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए ताकि आपके पास टाइम बचे अपने पढ़ाई के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की। अगर आपको स्टडी करना है, आप चाहती हैं स्टडी करना, तो अपने माइंड को शांत रखिए और शार्प रखिए। इसके लिए ना आप जो पूरे टाइम रोती रहती हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें सासू माँ सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आज हमारी ननद ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया, तो इन सब चीज़ों से ना आप थोड़ा दूर होइए। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो ठीक है यार, आप उसको पूरे दिन अगर आप रोती रहेंगी, किसी से फ़ोन पे बात करके बोलेंगी, किसी से शेयर करेंगी, तो वो सब चीज़ें ना और आपके माइंड में रिवाइंड होगी और आप परेशान होंगी, अंदर से फ्रस्ट्रेट होंगी। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी,
किसी की कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए आप रोते मत बैठिए। अगर आप जितने लोगों से वो चीज शेयर करेंगे उतनी ही वो चीजें आपके अंदर बैठती जाएंगी और आप अंदर से परेशान होंगी। और जब हमारा माइंड शांत नहीं रहेगा ना तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, हमारा दिमाग लगेगा ही नहीं पढ़ाई में। एक तो वैसे ही घर की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके साथ पढ़ना है, माइंड पे वैसे ही प्रेशर है कि हमें ये करना है वो करना है, उसके साथ अपनी स्टडी भी करनी है। और अगर आप ये सब रोते हुए बैठेंगी ना तो अंदर से दुखी रहेंगी, और जब आप दुखी रहेंगी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगी। थोड़ा सा बोलते हैं ना मतलब कि ऐसे ढीठ बन जाइए, मतलब बेशरम बन जाइए, अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप उसको लेकर के मत बैठिए। आप खुद को अफेक्ट मत करिए किसी दूसरों की बातों से, रहेंगे शांत रहिए, अपने मन को शांत रखिए, तभी आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगी। फोर्थ जो कॉमन प्रॉब्लम है ना कि हम फोकस नहीं कर पाते अपने स्टडी पे, तो इसके लिए आपकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है ना जैसे कि टीवी सीरियल्स, फोन, इन सब से तो एकदम दूरी बना लीजिए। अगर आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है, मीन्स सपोज आपकी सासू माँ आपको कुछ बोल देती हैं, आप उनसे परेशान हो जाती हैं, जो भी कुछ दो तीन औरतें मिलके बातें कर रही हैं आप उस गॉसिप में लग गई तो वहां पे फिर आपका माइंड उस साइड हो जाएगा। तो आप खुद को ना उन सब जगहों से दूर कर लीजिए। अगर कोई कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है तो आप वहां से हट जाइए ना, आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें जाएंगी और ना ही आप परेशान होंगी। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं तो मैं, मुझे रात में हॉरर चीजों से बहुत डर लगता है। अगर सपोज हम कुछ हॉरर मूवी देख लिया या फिर हमने कुछ भूत भूत की बातें सुन ली तो अक्सर होता है रात में अगर हम अकेले खड़े हो तो ऐसा होता है कि हमारे पीछे कोई भूत खड़ा है, फिर हमारे पीछे कोई है। तो जो चीजें हम सुनते हैं, जो चीजें देखते हैं, वही हमारे दिमाग में चलता है। तो अगर आप नेगेटिव बातों में नहीं घुसेंगी, मतलब किसी की दो तीन लोगों की जो चुगलियां होती हैं वो सब चीजों में नहीं घुसेंगी, ये नहीं सुनेंगी, तो आपका माइंड जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगी आप अच्छे से कैच कर पाएंगी, तुरंत आपको याद भी हो जाएगा, फालतू जगह पे आपका माइंड नहीं डाइवर्ट होगा। ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन वाला। तो अपने माइंड को एक जगह पे लगा के रखिए, अपने सेलफोन, टीवी या फिर नेगेटिव चीजों से खुद को दूर रखिए, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारी पढ़ाई के लिए। फिफ्थ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश रहिए। खुश रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा डाइट लीजिए। अगर आप खुद फिट रहेंगी, हेल्दी रहेंगी तो ही आप अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगी और अपने फैमिली मेंबर्स को भी देख पाएंगे। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप हेल्दी रहेंगी तो ही आपके घर वाले भी फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आप अच्छा डाइट लीजिए, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, अपने माइंड को शार्प करने के लिए मैंने आप लोग को बहुत सारे योगा बताए हैं, आप वो जरूर करिए अपने माइंड को शार्प रखने के लिए, खुद को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम ना हम लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहता है, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए हर जगह लगा रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। इसलिए अपना फोकस बनाने के लिए मैंने एक्सरसाइज बता रखा है, वो आप जरूर करिए। कुछ लंबा एक्सरसाइज नहीं करना है, सिर्फ रात में सोते टाइम आपका सुबह से रात तक का जो रूटीन था उसको एक बार अच्छे से आंख बंद करके याद करना है। इससे हमारा माइंड शार्प होता है और हमारी याददाश्त तेज होती है। तो ये करिए आप, अपने घर वालों को खुश रखिए, अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगी, और फिर अपने लाइफ को एंजॉय करिए। हर टाइम रोते बिल्कुल मत बैठे, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। आप जितनी बार अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर करेंगी उतनी ही चीजें आपको अंदर से परेशान करेंगी। ठीक है, आपने एक बार किसी से बता दिया, आपका मन हल्का हो गया, बट अगर आप बार बार कोई भी प्रॉब्लम लेकर किसी से शेयर करेंगी तो वो चीजें आपके अंदर और बैठेंगी और आप और परेशान होंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।